कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने की वकालत की है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, उन्हें निश्चित रूप से लोकसभा में होना चाहिए। उनके पास वो सभी योग्यताएं हैं जो एक अच्छी नेता में होनी चाहिए। वे वहां अच्छा काम करेंगी, वे वहां होने की हकदार हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसे मानेगी और उनके लिए बेहतर तैयारी करेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर कहा कि नकारात्मक सोच वाले लोग जहां भी होंगे सिर्फ नकारात्मकता ही फैलाएंगे और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग संसद में भी हैं। उनके पास महिलाओं और बच्चों की बेहतरी के लिए काम करने वाला मंत्रालय है, फिर भी वे संसद में नकारात्मकता फैलाने के अलावा मणिपुर के बारे में क्या बात करती हैं? वे उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहती हैं जो वहां मौजूद भी नहीं है। मैं संसद से दूर रहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से जुड़ी किसी भी बात पर तभी बात करता हूं जब सरकार मेरा नाम लेती है। 9 साल हो गए इस सरकार को सत्ता में आए हुए। जब भी सरकार किसी मुद्दे पर घिरती है उन्होंने हमेशा मेरे नाम का मेरा इस्तेमाल किया। उन्होंने जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मेरे नाम का सहारा लिया, इसलिए मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को देश की कई पार्टियों का अच्छा साथ मिल गया है और हम भाजपा को 2024 में कड़ी टक्कर दे पाएंगे। लोग देश में बदलाव और प्रगति चाहते हैं, उनके पास स्मृति ईरानी की बकवास सुनने के लिए समय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।